आज हम बात करेंगे मार्केंसिया की। पिछले वीडियो में हमने मार्केंसिया के क्लासिफिकेशन, इसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में जाना था, तो आज हम इसका जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केंसिया के थैलस के बारे में। मार्केंसिया इज ए हेट्रोथैलिक और डायोसियस प्लांट, यानी विषम थैलिक और एक लिंगाश्रयी पादप है। यानी एक लिंगाश्रयी वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर नर व स्त्री जननांग, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं, जो अलग अलग थैलस पे उपस्थित होते हैं। उन्हें कहेंगे हम एक लिंगाश्रयी स्पीसीज या जातियां। यानी मार्केंसिया के कुछ अपवादों को छोड़कर मार्केंसिया की अधिकांश जातियां विषम थैलिक प्रकार की पाई जाती हैं। इन मार्केंसिया सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन स्पेशल स्टॉक्ड रिसेप्टिकल्स द गैमेटोफोर्स। यानी मार्केंसिया में होता क्या है कि जो सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है वो विशेष उदग्र वृंत शाखाओं पे होता है। थैलस पे विशेष शाखाएं बनती है जिनको हम कहते हैं युग्मक धर। अगर मार्केंसिया का मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, एक रफ डायग्राम, तो इस तरह से बनेगा और यहाँ पे विशेष शाखाएं बनती हैं इस तरह से। उन शाखाओं को हम कहते हैं गैमेटोफोर, यानी युग्मक धर। द रिसेप्टिकल्स बियरिंग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एंथ्रिडियोफोर एंड आर्केगोनियोफोर रेस्पेक्टिवली। यानी जो मेल थैलस है उस पर निर्माण होगा पुंदानी धर का, और जो फीमेल थैलस होगा उस पर निर्माण होगा स्त्रीदानी धर का। क्लियर। यानी जननांग का निर्माण विशेष उदग्र सवर्ण शाखाओं में होता है जिसको मेल थैलस में कहते हैं पुंदानी धर और फीमेल थैलस में कहते हैं स्त्रीदानी धर। क्लियर। दे अराइज फ्रॉम डिस्टल एंड ऑफ थैलस फ्रॉम ग्रोइंग पॉइंट एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन ग्रोथ ऑफ थैलस सीसस। यानी दे डेवलप एट द डिस्टल एंड ऑफ द थैलस इन देयर फॉर्मेशन द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द थैलस इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। Therefore, after the formation of gametophores, the vegetative growth of the thallus ceases completely. यानी इनके निर्माण के बाद, क्योंकि इनका निर्माण होता है वृद्धि पॉइंट पर, तो इनके निर्माण के बाद थैलस की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और थैलस में जो रिप्रोडक्शन का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। और इन हम उदग्र शाखाओं की बात करें तो इनकी संरचना भी एक आम थैलस के समान ही होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी आंतरिक संरचना में फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन पाए जाते हैं। वही संरचना यहाँ पे इन गैमेटोफोर्स की भी पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एंथ्रिडियोफोर की, पुंदानी धर की। यानी ये हम पहले बता चुके हैं कि युग्मक धर क्या होते हैं। अब मेल थैलस पे बनेगा पुंदानी धर। यानी पुंदानी धर की जो लंबाई है वो 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और शीर्ष पर 8 पालित 8 लोब्ड क्षैतिज यहां पे डिस्क पाई जाती है ये वाली। इट हैज 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टॉक दैट बियर्स 8 लोब्ड प्लेटलेट डिस्क। यानी डिस्क पाई जाती है और इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक होती है 1 से 3 सेंटीमीटर तक ये लंबा पाया जाता है। और इसकी जो इनर स्ट्रक्चर सिमिलर टू डेड थैलस विद अपर एपिडर्मिस हैविंग एयर पोर्स एयर चैम्बर हैविंग फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। यानी वही जो बात मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि इसकी जो थैलस की जो आंतरिक संरचना है वो सेम उसी तरह से होती है जो थैलस की होती है। यानी पालित डिस्क की संरचना भी
थैलस के समान ही पाई जाती है। द एंथ्रीडियोफोर हैज 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टॉक्ड बियरिंग कॉन्वेक्स 8 लो पेलेटेड डिस्क एट इट अपेक्स। इस तरह से यह होता है पुंदानीधर। और इसके अलावा जो पुंदानीधर में है वही चीज है, यहां पे वायु छिद्र ऑस्टियोल पाए जाते हैं। और जो पुंदानी प्रत्येक जो ऑस्टियोल है वो एक पुंदानी कोष्टक में खुलता है और प्रत्येक पुंदानी कोष्टक में केवल एक पुंदानी यहां पर पाई जाती है, उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ये देखिए ऊपरी सतह पर अनेक बैरल रूपी वायु छिद्र एवं ऑस्टियोल पाए जाते हैं। ऑस्टियोल पुंदानी कोष्टक में खुलता है। एंथ्रिडियल चैम्बर्स अल्टरनेट विद एयर चैम्बर्स। इच एंथ्रिडियल चैम्बर कंटेन ए सिंगल एंथ्रिडियम एंड ओपन एक्सटर्नली बाय ए पोर कॉल्ड ऑस्टियोल। ऑन ईच लोब एंथ्रिडिया अराइज एक्रोपिटली। एंथ्रीडियोफोर हैज 2 लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव्स एंड विच कंटेन राइजोइड्स एंड स्केल। यानी जो ये थैलस है इसके अंदर जो एंथ्रीडियोफोर की जो पोजिशन है वो उदग्र होती है और इसमें भी राइजोइड्स हैं, इसके अलावा खांचे हैं, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। यानी वृंत में मूलाभास स्केल और 2 अनुदैर्ध्य खांचे यहां पर उपस्थित होती हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप इस चीज को। अब हम बात करते हैं पुंदानी की। पुंदानी का विकास हम रिक्शिया में पढ़ चुके हैं। आपको ये विशेष ध्यान देना होगा कि रिक्शिया के जो वीडियो में मैंने एक एंथ्रीडियल सेल से और एक पुंदानी का निर्माण बताया था, क्योंकि सेम फैमिली है तो आपको वही पढ़ना है। यानी एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से पुंदानी का निर्माण किस प्रकार होता है वो मैंने रिक्शिया के लेक्चर में पहले बताया है, वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर पढ़ना है। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे पुंदानी की, एंथ्रीडियम, यानी पुंदानी किस तरह की होती है। तो पुंदानी की संरचना है वो होती है अंडाकार। ये एक बहुकोशिकीय वृंत द्वारा संलग्न होती है थैलस से। इसके चारों ओर एक स्तरीय बंदे आवरण का जैकेट होता है तथा इसके भीतर पूर्व पुंगु कोशिकाओं का एक पिंड होता है जिससे पुंगु का निर्माण होता है। पुंगु एक सूक्ष्म कुंडलित एक केंद्र की संरचना होती है। इसमें 2 कशाबिकाएं पाई जाती है। अब आप यहां पे देखिए ये एक पुंदानी का स्ट्रक्चर है, ये यहां पे इसका है वृंत और ये जो लेयर है ये है इसकी जैकेट, आउटर लेयर है इसकी जैकेट है। और इसके अंदर जो यहां पे कोशिकाएं भरी हुई है ब्लॉक में आपको दिख रही हैं, ये है पूर्व पुंगु कोशिकाएं। इस तरह से पूर्व पुंगु कोशिकाएं और इन प्रत्येक कोशिका से 2 एंथ्रोजोइट्स का निर्माण होता है, यानी इस तरह जुड़ी होती हैं। देखो ये इस तरह से और प्रत्येक से 2 एंथ्रोजोइट्स का निर्माण होता है। इस तरह से ये पुंदानी की ये संरचना है। अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बताया है, ये सब चीजें अध्ययन कर लें। इसके बाद में हम बात करेंगे पुंदानी के स्फुटन के बारे में। यानी जब पुंदानी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो किस तरह से पुंगु बाहर निकलते हैं और वो करते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी पुंदानी धर की डिस्क पर एकत्रित जल ऑस्टियोल द्वारा पुंदानी जो कोष्टक है उसके अंदर प्रवेश करता है। ये यहाँ पे ऑस्टियोल है, यहाँ पे पानी की कुछ बूंदें होंगी
और पुदानी कोष्ठक में प्रवेश कर जाता है। जो शीर्ष कोशिकाएं हैं इनका ज्यादा जलेटीकरण पानी को सोख लेती हैं और पुंदानी का इसी स्थान से पुंदानी फट जाती है। थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे फटना यानी पुंदानी इसी स्थान से फट जाती है और पूर्व पुमड़ी कोशिकाएं ऑस्टियोल से बाहर निकलते हुए पुमड़ों को लिबरेट करती है, पुमड़ों को स्वतंत्र कर देती है। इस तरह से पुमड़ों बाहर निकलते हैं। वाटर एंटर द एंट्रियल चैम्बर थ्रू ऑस्टियोल सम सेल्स एट द डिस्टल एंड डिजनरेट व्हेन दे कम टू इन कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड हेंस एंथ्रेडियम रैप्चर्स। एंथ्रोजॉइड्स कम आउट ऑफ ऑस्टियोल लाइक स्मोक कॉलम एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ एंथ्रेडियल डिस्क। तो जो पुमड़ू है वो इस प्रकार का होता है, देखो यहाँ पे दो फ्लेजिला एक केंद्रक और ये पुमड़ू जो पानी में तैरता हुआ पानी में फ्लोट करता हुआ पहुंचता है सीधा स्त्रीदानी के ऊपर जहां पे कवर सेल्स होती हैं जो इसको रास्ता देती हैं। म्यूसिलेज का वहां पे पदार्थ होता है जो इसके लिए रास्ता सुगम बनाता है और इससे वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी की उपस्थिति में निषेचन होना अनिवार्य है। जो पानी जब होता है तब ये क्रिया पूरी पूर्ण हो जाती है और ये जाके जो एग है उसे संपर्क कर उसमें संयुक्त हो जाता है और वहां होता है निषेचन। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया है। तो इस तरह से ये पूरा जो हुआ इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक तो पुंदानी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, पुंदानी का विकास एंथ्रो इनिशियल से पुंदानी का निर्माण, उसके बाद में परिपक्व पुंदानी की संरचना और पुंदानी का स्फुटन। तो इस लेक्चर में इतना ही। सभी को धन्यवाद।